विश्व जल दिवस के मौके पर भी चंदन कियारे स्थित पेयजल पूर्ति विभाग के कार्यालय में ताला लटका रहा। अन्य दिनों की तरह विभाग के जेई ने विश्व जल दिवस पर भी चंदन कियारी कार्यालय आना जरूरी नहीं समझा और दूर दराज से पानी की समस्या को लेकर पहुंचे ग्रामीणों को बैरंग ही लौटना पड़ा। ग्रामीणों में विभाग के जेई के खिलाफ गहरा आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों का आरोप है कि चंदन कियारे स्थित पेयजल आपूर्ति कार्यालय में जेई साहब कभी बैठते ही नहीं, जिस कारण ग्रामीणों को चापाकलों की मरम्मति करवाने में बहुत परेशानी हो रही है। स्थानीय विधायक तक भी ग्रामीण ने इसकी शिकायत की, लेकिन अब तक जेई में ग्रामीणों के कार्य निष्पादन को लेकर कोई रुचि नहीं जगी है। दूरदराज के ग्रामीण चापाकलों की मरम्मति को लेकर विश्व जल दिवस के मौके पर इस उम्मीद से कार्यालय पहुंचे थे कि आज कार्यालय खुला मिलेगा, लेकिन ग्रामीणों की उम्मीदों पर तब पानी फिर गया जब चंदन कियारे स्थित पेयजल आपूर्ति कार्यालय में ताला लटका मिला। ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि पेयजल आपूर्ति विभाग चंदन कियारी के ऑफिस में विगत कई सप्ताह से कनीय अभियंता का दर्शन लोगों ने नहीं किया है। जेई की मनमाने तौर तरीके से ड्यूटी को लेकर ग्रामीणों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आइए मामले में ग्रामीणों का क्या कहना है, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। चंदन कियारी से मुकेश कुमार मेहता की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चांदसागर माथा हुआ और मेरा पंचायत सारजोरी हुआ, मेरा गांव बरकमा हुआ, जो कि हम प्राय ऑफिस में आते रहते हैं, लेकिन यहाँ हम किसी भी समस्याओं को लेकर आते हैं कि नल खराब हुआ या कुछ भी हुआ गांव के समस्याओं को लेकर, तो यहाँ ऑफिस में तो पदाधिकारी लोग मिलते ही नहीं हैं। बाकी आते हैं तो एक दो वही लेबर ग्रेड का आदमी लोग रहता है, तो उन लोग बताता है कि सर को आने दीजिए, फिर बाद में ही एप्लीकेशन लिया जाएगा, बाद में ही काम किया जाएगा, अभी आपका सुनवाई हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो वही हम तो सामने ही है, जब मेरा घर ज़्यादा यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, प्राय आते हैं, लेकिन यही दिखता है कि यहाँ जो ऑफिसर लोग हैं वो लोग आते ही नहीं है और बैठते ही नहीं है, वो अपना मनमानी करते हैं। मेरा घर चंदन के पश्चिमी पंचायत में है और विगत 9 सालों से पानी टंकी बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि पानी की किल्लत बहुत ज़्यादा है चंदन कियारी में है, जिससे जिससे धूप बढ़ता जा रहा है, पानी का लेयर जो है कि नीचे की ओर जा रहा है। जो ग्रामीण क्षेत्र के आदमी समस्या लेके आते हैं यहाँ पर पानी के विषय में बात करने के लिए, लेकिन यहाँ पर खिलाड़ी करने मिलने के कारण समस्याएँ बड़ी होते जा रहे हैं, और यहाँ जिला से जो अधिकारी है वो लोग कोई संज्ञान में नहीं लेते हैं इस काम के लिए। जी, ये भी लगातार सूचना प्राप्त होते आ रहे हैं कि यहाँ के जो कनीय अभियंता हैं ये यहाँ ना के बराबर आते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हमेशा ताला ही लटका हुआ रहता है, क्योंकि हम लोग समस्या लेकर आते रहते हैं, गाड़ी निकलता है कहाँ क्या क्या करता नहीं करता देखते हैं, कोई मेरे घर के सामने ही चापाकल खराब पड़ा हुआ है बहुत दिनों से, समस्या हम लोग देते हैं लेकिन कोई समाधान नहीं हो पाता। गर्मी का इतना ये आ गया, भयंकर गर्मी आ गया है, सब पंचायत में चापाकल को बनाया जाए। ऐसा भी सूचना लगातार प्राप्त होते रहा है कि यहाँ पे जो जेई हैं वो पदभार ग्रहण करने के पश्चात कभी आते ही नहीं, क्या इस संदर्भ में आप क्या कहना? जेई साहब का नाम सब जान, जैसे तो हम लोग मुख्य लोग जानते हैं, लेकिन पब्लिक से जो जुड़ा होना चाहिए कि किसी फ़ोन करके बना देना चाहिए चापाकल, कहीं भी चापाकल है, गर्मी का दिन मौसम है। 4 दिन हम घूमे, आज तक कभी खुला हुआ नहीं मिला, आज हमको थोड़ा सा आशा और उम्मीद लगा था कि आज जल दिवस है, आज तो कम से कम बंद नहीं मिलेगा, तो हम अपना एप्लीकेशन तो दे देते। 3 गो चापाकल है मेरे गांव में लगातार, मतलब बंद है, एक भी चालू नहीं है। कल परसों दिन जो एक बचा था वो खराब हो गया है, एप्लीकेशन देने के लिए आए थे, हमको बड़ी उम्मीद लगा था कि आज कम से कम जल दिवस के दिन ताला लगा हुआ नहीं रहेगा, आज काम तो मेरा हो जाएगा, एप्लीकेशन हम दे पाएंगे, शायद 2-4 दिन में बन जाएगा। ये जेई साहब तो जिस दिन से ये प्रभार लिए हैं आज तक ही चंदन कियारी में इस ऑफिस तो नहीं घुसे हैं, इस ऑफिस तक आज नहीं, मैंने हम देखें इसको कि इस ऑफिस के अंदर जेई साहब कभी बैठे हैं या तो जेई साहब कभी आए हैं, अब पता नहीं भगवान जाने अगर कोई देखा होगा तो, दुर्भाग्य है यार, जल दिवस के दिन भी अगर यदि बंद रहेगा, देख रहे हैं चारों तरफ अब धूप, गर्मी का दिन आ गया, हाहाकार मचा हुआ है, अब नहीं सुधार करेगा तो फिर आगे चल के तो और दिक्कत होगा। हम प्रशासन से, जिला प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि जैसे भी हो, जो भी यहाँ प्रभार है, जो भी जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ का है उसको यहाँ का दायित्व दे, खोले, और नहीं तो इसको हटाए, इसको निष्कासित करे यार, ये तो कम से कम इससे पहले जो आया था इतना खराब तो नहीं था, ये आज तक कभी नहीं आए हैं चंदन कियारी, ये ऑफिस में तो कभी घुसबो नहीं किए। चलिए, डीसी साहब से, जो भी इनसे बड़ी पदाधिकारी है उनसे मांग करते हैं कि इसको हटाए यार। 10 किलोमीटर पड़ सकता है, ठीक है, लेकिन उतना दूर से आने के बावजूद भी देख रहे हैं, आज मोटा मोटी नहीं हो ज़्यादा तो कम से कम 15 से 17 दिन घूमे, लेकिन आज सुने कि आज जल दिवस है, आज तो खुला रहना चाहिए, लेकिन आज भी देखिए बंद है,
तो अब हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? जल दिवस के दिन अगर ब्लॉक उलॉक बंद रहेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं? अभी आप यहाँ पे आए कौन से समस्याओं को लेकर के आए थे? हम एप्लीकेशन देने खातिर आए थे कि मेरे घर के यहाँ बगल में जो चापाकल है जिसके लिए वहाँ बहुत प्रकार के जीव जंतु भी, जैसे पानी हम लोग ये करते हैं ना, जो गड्ढा में रहता है तो बैल बकरी भी तो खाता है, उस लोग का भी तो जीव ये है, लेकिन इतना धूप कड़ी धूप में आने के बावजूद भी कुछ नहीं मिला। आप जहाँ के निवासी हुए हैं वो कहीं ना कहीं खनन प्रभावित क्षेत्र होता है, क्या डीएमएफटी फंड के तहत वहाँ पे काम नहीं हुआ? क्या पेयजल समस्या वहाँ पे विकट रूप है अभी? पेयजल की बहुत समस्या है, बहुत गंभीर तरह से हम लोग का बहुत आदमी का परेशानी होता है। क्या करें, सामने नदी भी हम लोग का कम से कम 5 किलोमीटर पड़ता है घर से, तो नदी जाने से क्या उतना दूर से क्या पानी लाना धरना करेगा? दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।